हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम टू माई कविराज डेली ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइज। एंड बस थोड़ा सा ढीला ढला हो गया सिस्टम, जो पहले ही शो हो रहा था भाई। और अभी मैंने बनाया है राज के लिए ओट्स, हेल्दी, मेरा तो फास्ट है, तो राज के लिए मैंने प्यारा सा ओट्स बनाया। दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या कैंटीन हम लोग लेके आए थे ओट्स। मैं दिखाती हूँ यार आपको, देखो ना बहुत अच्छा है ये, ऐसा कुछ ओट्स का पैकेट है, सुपर सुपर टेस्टी है, सुपर सुपर। मतलब मैंने दोनों बारी नहीं खाया जब जब मैंने राज को लिया, बट हाँ खुशबू बहुत अच्छी है। एक चम्मच मैंने पहले खाया, अभी दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस ये है राज का ओट्स, ठीक है। ये बीच में ना, बीच का सरफेस जल जा रहा है मेरा इसमें। मैंने ओट्स क्यों बनाया गाइस मैं आपको बता दूं, ताकत नहीं है कुछ, मतलब मैं अभी जस्ट उठी और फिर मैं सीधे यहीं बना रही हूँ। मतलब अपना पानी वानी पिया, पपीता वगैरह खाया, और उतना मेरे को उज्ज नहीं आ रहा किचन में खड़े खड़े, तो इसीलिए मैं जल्दी से बना ली। 2 मिनट का काम हो चुका है ऑलमोस्ट, अब बंद कर देते हैं। करेंगे 1 टेबल स्पून घी, ठीक है। राज को पसंद है घी, तो इसीलिए मैंने इसमें भी घी डाल दिया, और वो थोड़ा सा यू नो हेल्दी चीज खाना पसंद कर दे। अब राज के पास ले, राज आ गया, आओगे वही लाओ। ओके ये लीजिए राज का खाना। दही, केला, पपाया, एंड यह है मेरा ग्रीन टी। तो अभी दही, केला, पपाया इकट्ठे खाएंगे। आप लोग कह रहे होंगे सारा एक साथ ही खा रही है, बट क्या करूँ मेरी बॉडी मांग रही है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ। तो अभी टेस्ट करके बताती हूँ पपाया क्या करना है आपको, दही में डुबो के। अरे बड़ा ग्रीन टी उतने दूर फेंक देनी है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर केला ऐसे पकड़ना है, ऐसे खाना है, बहुत अच्छा रहा है। जो कमेंट किस किस को पसंद आया। सब चलते घर को, मैं आ गई हूँ और मैं बता देती हूँ मुझे एक्चुअल में हुआ क्या है, मुझे क्यों हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है बार बार। मुझे यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है, तो इसीलिए मुझे बार बार हॉस्पिटल जाके चेकअप कराना पड़ रहा है कि ठीक क्यों नहीं हो रहा। और एकदम से कल रात भी मेरी थोड़ा सा तबीयत ऐसी हो गया था, और बस अभी मैं मेडिसिन लेके आई हूँ और अब मैं खा रही हूँ संतरा। दो गवर्नमेंट आप लोग क्या कर रहे हैं, तो बस यही है यार गाइस। इसीलिए ना मेरे को उज्ज नहीं हो रही, और इसलिए आज मैं बहुत लेट उठी, नहीं तो इस टाइम तक तो मेरा कितना कुछ काम हो जाता था और आराम से बैठ के चिल करती थी। खैर अभी भी चिल ही कर रही हूँ बैठ के, आज है सैटरडे, तो बस वीकेंड मना रहे हैं। और वीकेंड में यार अच्छा नहीं लगता ना, अगर आप बीमार हो जाओ फिर से, तो ऐसा लगता है कि यार पूरा वीकेंड ही ख़राब हो गया है।
एक ये बैकग्राउंड म्यूजिक है मेरा बहुत अच्छा है, इसके लिए ना एक लाइक तो बनता है गाइस। So guys, if you like the vlog, please do like, subscribe, share and comment. और या आई नो कि ज़्यादा उतना कुछ बना नहीं था तो, बट यार व्रत है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और फिर मैं लाइव भी आई थी दो बारी कविता शान एंड कविराज में, तो उतना कॉन्टेंट मुझे मिला नहीं कि बनाऊँ क्या अब, तो इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ही करते हैं एंड। और हैप्पी नवरात्रि, आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।